पाकिस्तान की करतूत आपको बता देते हैं। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान बेनकाब एक बार फिर से हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शाहिद खाकान अब्बासी। आतंकी हाफिज सईद को उन्होंने पहले साहेब कहा और फिर क्लीन चिट दी, कहा कि कोई केस ही नहीं बनता हाफिज सईद पर। हाफिज सईद वही आतंकी जिसने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमले किए। पाकिस्तान ने भारत के दबाव में उसे महीने भर नजरबंद रखने के बाद हाल ही में रिहा किया है, और फिर भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के अब्बासी कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हालांकि अब्बासी के इस बयान के बाद पाकिस्तान में ही हड़कंप मच गया है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुसैन हक्कानी ने अब्बासी पर ही सवाल उठा दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में हुसैन हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार की क्लीन चिट से हाफिज के यूएन लिस्ट आतंकी होने की हकीकत नहीं बदलेगी। हक्कानी ने हाफिज के चुनाव लड़ने को पाकिस्तान के लिए खतरा माना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने हाफिज सईद को लगभग क्लीन चिट दे दी है। उन्हें नहीं लगता कि हाफिज सईद एक टेररिस्ट है। आखिर क्या है इस बयान के मायने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हुसैन हक्कानी साहब हैं जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं यूएस में। सर, किस तरीके से देखते हैं एक ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को सीधे सीधे क्लीन चिट दे दी गई और मुंबई आतंकी हमले में जो सबूत दिए गए उसे सीधे सीधे नकारा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान में कोई केस तो मेरे खिलाफ भी नहीं है, लेकिन मुझे पाकिस्तान में बहुत बुरा भला समझा जाता है और समझा जाता है कि जी पता नहीं कितने बड़े गद्दार हैं और देशद्रोही हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये बात कहनी कि पाकिस्तान में केस नहीं है, इससे बात नहीं बनती। ये बात तो सही है कि सबूत होना चाहिए, लेकिन आखिर कोई तो सबूत है जिसके कारण अमरीका ने, ब्रिटेन ने और दूसरे देशों ने हाफिज सईद को टेररिस्ट करार दिया है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी इस पर गौर करना चाहिए कि क्या हाफिज सईद को इस तरह से डिफेंड करने से पाकिस्तान का स्टेटस, पाकिस्तान का मकाम दुनिया की नज़र में बढ़ता है या घटता है। आपको लगता है कि ढकने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ के एक सच को दबाने की कोशिश की जा रही है? मेरा ये ख्याल है कि बहुत बातें सिर्फ पाकिस्तान में अंदरूने मुल्क लोगों को खुश करने के लिए कही जाती हैं, अपने अंदर ही अंदर ये बातें करके, बाकी दुनिया में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।